सरकार से पूछ रहा हूँ कि सरकार ये बताए कि आज हिमाचल प्रदेश की सरकार की जो फाइनेंशियल हेल्थ है उस पे सरकार श्वेत पत्र जारी करे। कारण ये है कि आज हिमाचल प्रदेश में तमाम डेवलपमेंट के काम जो हैं वो काम जो है रोक दिए गए हैं, विकास जो शून्य हो गया है। कोरोना का जो दौर है अभी तो 4 महीने से है। और दूसरी बात यह है कि सरकार बार बार कर्जा ले रही है। हमें कर्जा लेने से कोई समस्या नहीं है, समस्या ये है कि जब सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की थी, राजा वीरभद्र जी की अगुवाई में सरकार थी, उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी का तमाम लीडरशिप जो है वो बार बार ये प्रश्न करती थी कि सरकार जो कर्जा लेके चल रही है। और हिमाचल प्रदेश की जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता के साथ ये वायदा किया कि हम सत्ता में आएंगे तो हमारा डबल इंजन होगा, हिमाचल में हमारी सरकार होगी, केंद्र में हमारी सरकार होगी और पैसे की कोई कमी नहीं होगी। हम सरकार से यही पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ कि हिमाचल प्रदेश का जो हक बनता है, क्योंकि हिमाचल जीएसटी भी लोग पे कर रहे हैं और भी टैक्सेस पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स भी पे कर रहे हैं, हिमाचल का जो हिस्सा बनता है उसके अलावा केंद्र ने आपको क्या दिया, और आज वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है, उस पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे। कारण ये है कि आज हिमाचल प्रदेश में कोरोना के इस दौर में सरकार ने जो एमएलए विकास निधि मिलती थी उसको भी रोक दिया गया। एमएलए विकास निधि जो थी, एमएलए अपने चुनाव क्षेत्र की एक एक चीज से वाकिफ होता है, छोटी से छोटी चीज से समस्या से वाकिफ होता है, और वो एमएलए को जो फंड मिलते थे एमएलए को डंगे के लिए दे रहा है, कोई रास्ते के लिए दे रहा है, कोई छोटे लिंक रोड के लिए दे रहा है, कोई भवन के लिए दे रहा है। और जो एमएलए ने अपने जो एमएलए लेट से पैसा लोगों को दिया है, कोई भवन बनाने के लिए दिया है, छोटे छोटे भवन बन रहे हैं वो अधूरे हैं, कहीं लेंटर पड़ गया कहीं नहीं पड़ा है, आज सरकार ने वो भी रोक दिया। हम इसीलिए तो पूछ रहे हैं सरकार से कि आप अपनी सेहत जो है, आर्थिक सेहत कैसी है आपकी, इस हिमाचल प्रदेश की जनता को बताइए ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को पता लगे और आपका डबल इंजन कहाँ है। डबल इंजन तो बड़ी तेजी से दौड़ना चाहिए, ये तो हाफ नहीं है तो सीज हो गया है इसलिए। और दूसरा हम सरकार से पूछ रहे हैं कि कोरोना का ये जो दौर आया है, ये मार्च महीने की 25 तारीख को जो है टोटल जो है लॉकडाउन हुआ था, उसके बाद आप ये बताइए कि आपको केंद्र सरकार से क्या मिला, आपने इसमें रिलीफ में कितना पैसा इकट्ठा किया, आपने कितना पैसा कहां खर्चा, और दूसरा हेल्थ विभाग में लगातार एक के बाद एक जो घोटाले सामने आए, चाहे आप आयुर्वेदिक विभाग की बात करें, आयुर्वेदिक विभाग में जो घोटाला हुआ दवाइयों का लेकर, उसके बाद कोई सैनिटाइजर का, कोई मास्क का, आज इन्होंने क्लीन चिट दी है कि जी से जो वेंटिलेटर्स की मशीनों को लेकर। मैं ये मुझे इस बात का शक है, हिमाचल प्रदेश की जनता को भी शक है कि इस विभाग में जितने घोटाले हुए हैं सरकार उनको अपनी लोकल एजेंसी जो है, स्टेट गवर्नमेंट के अधीन जो एजेंसी हैं, चाहे विजिलेंस है, उनको प्रेशर बनाकर उनको लिपापोती करने की कोशिश करके उनको क्लीन चिट देने का प्रयास कर रही है और बंद करने की कोशिश कर रही है। और तीसरा, सरकार इस बात को बार बार पूछने के बाद भी स्पष्ट नहीं कर रही है कि आखिर आपने सारे के सारे काम रोक दिए गए हैं, क्या आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कमजोर हो गई है, तो इस पे सरकार स्थिति स्पष्ट करे, हम यही तो पूछ रहे हैं। सर, एक NIIT का मामला है हमीरपुर का, वहां पर जिस तरह से भर्ती की और आपने लगातार ये मामला उठाया है, अब क्या स्थिति है, कोई जांच हुई है, कोई इसके ऊपर कार्रवाई हुई है क्या? देखिए, जहां तक NIIT का प्रश्न है, आप सबको मालूम होना चाहिए कि NIIT हमीरपुर में जो सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में पड़ती है, और मेरा चुनाव क्षेत्र होने की वजह से लोग मुझे, लोकल लोग जो NIIT में काम करते हैं, कोई फैकल्टी में है, कोई क्लास 3 में काम कर रहे हैं, कोई क्लास 4 में काम कर रहे हैं, वो लगातार पिछले लंबे समय से मुझे मिलते रहे हैं। और मैंने पिछले साल अक्टूबर महीने की 11 तारीख से इस इशू को उठाया था और लगातार इस इशू को उठा रहा हूं, और हाल ही में लोग फिर मिले मुझे और मैं इस इशू को एक नहीं कई बार उठा चुका हूं। और यहां पर जो NIIT में भर्तियां हुई उसमें बहुत गड़बड़ियां हुई और भी फाइनेंशियल मामलों को लेकर जो है बहुत सारी अनियमितताएं वहां पर हुई हैं। और भर्तियों को लेकर देखिए, हिमाचल प्रदेश लिटरेसी के मामले में हिंदुस्तान में 2nd नंबर पर है और हिमाचल के नौजवान बहुत पढ़े लिखे हैं और हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को दरकिनार करके बाहर के लोगों को भर्तियां की जा रही हैं, एक ही बरादरी के लोगों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, और जो लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी जिन्होंने डिग्रियां ली हैं उनको भी वहां पर फैकल्टी में रखा जा रहा है। कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है, सीधे के सीधे तौर पर रेगुलर भर्तियां की जा रही हैं। हिंदुस्तान में आज की डेट में रेगुलर कहीं भर्तियां नहीं हो रही हैं।
सिर्फ मात्र जो है कॉन्ट्रैक्ट पे या प्रोबेशन पे लोग रखे जाते हैं, और जो लोग रखे गए हैं उनको जो है इंचार्ज बना दिया गया, हिमाचल प्रदेश के लोगों को प्रताड़ित वहां किया गया है। इसलिए हमने बार बार इस इशू को उठाया है, और मैंने पहले भी कई पत्र लिखे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखे, परंतु 7 तारीख को जो मैंने 4 पन्नों का जो ये पत्र प्रधानमंत्री ऑफिस को लिखा, उसके बाद एचआरडी मिनिस्टर को लिखा, उसके बाद तीसरी कॉपी जो है एनआईटी के ऑल इंडिया के जो चेयरमैन है उनको लिखा, और उस पत्र के बाद जो मैंने मेल भेजी उसके बाद तुरंत एक्शन हुआ। और उसके बाद एनआईटी के जो डायरेक्टर हैं, क्योंकि मैंने जो विद एविडेंस जो मैंने वहां पर भेजा, एनआईटी के डायरेक्टर की फाइनेंशियल पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं उनको फ्रीज कर दिया गया, और जलंधर के एनआईटी के डायरेक्टर उनको एडिशनल चार्ज जो है यहां पर दिया गया। मैंने बार बार ये मांग उठाई है कि एक गंभीर मामला है, हिमाचल के नौजवानों के साथ उनके जो इंटरेस्ट थे उनके साथ उनको ढाका डाला गया है, उनके साथ बेईमानी हुई है, और इस पे केंद्र सरकार अगर जीरो टॉलरेंस की बात करती है भ्रष्टाचार को लेकर, तो सरकार केंद्र सरकार इसकी सीबीआई से जांच कराए। हालांकि कमेटी इन्होंने बैठा दिया जो इसकी पूरी जांच करेगी, परंतु कमेटी भी डिपार्टमेंट की, हमें इस पर पूरा पूर्ण विश्वास नहीं है। हम चाहते हैं कि इसकी इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई से जांच कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो।